प्रसिद्ध है। तो प्रश्न उठता है कि नाम लव कुश है और है भगवान शंकर का विग्रह, तो ऐसा क्यों? 40 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है यहाँ से। वैसे भी मैं दिव्यांग हूँ, इस वजह से मैं उस शिव की कृपा रही पैदल के 5-6 किलोमीटर मैं पैदल आया। ओम ध्याय नित्यम महेशम रजतगिनिम हम चारु चंदा वसंतम रत्नाम कल्पोजनाम परस्मिर्वरा विहितयास्तम। हजारों हजार लोगों की मान्यताएं पूरी हुई, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। खुद मुझे भी जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे मिला है। नमस्कार, माउंटेन ट्रेवल्स के इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ले आए हैं एक ऐसे मंदिर में जो कि कई गांव का आस्था का केंद्र बना हुआ है। सदूर कड़ाकोर क्षेत्र के विशाल मंदिरों में यह मंदिर लवकुश नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास और यहाँ की कुछ मान्यताएं। नमः शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिं परमेश्वरं। बोल लवकुश महादेव की जय। अभी हम लोग खड़े हुए हैं लवकुश महादेव में, जो कि नारायणप्रगट ब्लॉक के एक दुर्गम क्षेत्र में है। और आप अगर कभी यहाँ अगर आना चाहते हैं तो आपको जो है नारायणप्रगट से भंगोटा और वहाँ से कूस एक गांव है, वहाँ से आप लोग इस स्थान की, इस धाम की यात्रा कर सकते हैं। शास्त्रों में भी इस धाम का, इस तीर्थ का बड़ा वर्णन है और इस तीर्थ को तीर्थों का भी तीर्थ कहते हैं। ये जो तीर्थ है अपने आप में ही एक महातीर्थ है। इसका जितना भी बखान अगर हम लोग करें उतना कम ही कम पड़ जाता है। अगर इसकी महत्ता जो है हम पूछें तो जो माताएं हैं उनसे अगर पूछा जाए तो अनेक पुत्रों को जो है भगवान शंकर ने दिया है, अनेक माताओं को वरदानी पुत्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बड़ा तीर्थ जो है सौभाग्य है हम लोगों का कि हम यहाँ पहुँचे हैं। और मैं भी जो है भगवान शंकर की कृपा से यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। मेरा नाम आस्तिक नारायण है और प्रभु की कृपा से जो है पाठ पूजा भागवत कथा इत्यादि सब चलती रहती है। तो ये स्थान जो है आप अगर देखेंगे तो लवकुश महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रश्न उठता है कि नाम लवकुश है और है भगवान शंकर का विग्रह, तो ऐसा क्यों? तो इसमें एक कथा आती है, पौराणिक कथा आती है कि जब भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था तो इसी स्थान पर जो है माता सीता रहती थी। आप ठीक इसके ऊपर देखेंगे वाल्मीकि एक आश्रम है, वहाँ वाल्मीकि जी निवास करते थे माता सीता के साथ जो है, और लव और कुश जो है यहाँ पर ही इन्होंने जन्म लिया था। तो कुश भगवान यहीं पर प्रकट हुए थे। तो उसकी एक सूक्ष्म कथा है कि एक बार माता सीता जो है, इस मंदिर के नीचे आप देखेंगे एक सीता कुंडी है, बहुत एक बड़ा पानी का झरना ऊपर से नीचे को गिरता है। तो वहाँ पर जो है माता सीता रोज वाल्मीकि आश्रम से स्नान करने के लिए जाया करती थी। तो एक दिन माता ने जो है वाल्मीकि से कहा कि आप इस जो बालक है लव है इसकी देख रेख करना, इसको देखना कहीं ये कहीं खो ना जाए, क्योंकि जंगल है, भयानक जंगल है, कहीं खो ना जाए। तो वाल्मीकि जी अपने ध्यान में चले गए और वो लव जो है घूमते घूमते कहीं चले गया। तो थोड़ी देर में उनको ध्यान आता है कि वो बालक कहाँ गया। तो इस स्थान पर आकर जो है एक कूस का पौधा था, उसको तोड़कर जो है कूस भगवान को प्रकट कर देते हैं। थोड़ी देर में माता सीता जब आती है लव को गोदी में लेकर, देखती है कि एक बालक कहाँ से आया है। तो इस स्थान पर जो है जो राम भगवान के पुत्र कुश थे उनका प्राकट्य हुआ था, और भगवान राम ने जो है इस स्थान पर जो है अपने हाथों से भगवान शंकर को विराजमान किया था और भगवान शंकर से कहा था आप मेरी पत्नी माता सीता, मेरे बच्चों की रक्षा करना। इसीलिए यहाँ पर जो है नाम लवकुश है लेकिन भगवान शंकर का विग्रह है, क्योंकि साक्षात भगवान राम ने ही अपने हाथों से इस विग्रह की स्थापना की थी। तो यहाँ की महत्व है, मैं सबसे आग्रह यही करना चाहता हूँ आप लोग जरूर जो है इस स्थान पर आएँ, क्योंकि ये तीर्थों का भी तीर्थ है। अनेक जो है मनोकामना भक्तों की यहाँ होती है। आप देखेंगे बच्चे से लेकर बूढ़े 80 साल तक के लोग यहाँ आते हैं, भले उनको आने में कष्ट होता है लेकिन ये तीर्थ ऐसा है कि यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार अपने जीवन में इस धाम में आकर जो है अपना जीवन धन्य बनाएं। और आपको मैं ये बात भी बता दूँ कि भगवान की यात्रा, भगवान की भक्ति तभी सार्थक होती है
जब हम इस शरीर से परिश्रम करें, क्योंकि हमारा शरीर अनेक पापों से घिरा हुआ है। जब तक हम परिश्रम कर कष्ट कर जो है यात्रा करके भगवान के धाम को नहीं जाएंगे, तब तक हमारे पाप नहीं कटेंगे। तो ये धाम भी ऐसा है, आप जो है पास जो आपके घर के पास के मंदिर होते हैं आप लोग वहाँ खूब जाते हैं, लेकिन परिश्रम करके जो भक्ति करके जैसे जो है अगर आप यहाँ पहुँचेंगे तो इसका फल जो है अनंत होता है, क्योंकि परिश्रम से ही जो है हमारे पाप कट सकते हैं। तो लवकुश महादेव एक ऐसा मंदिर है जहाँ परिश्रम भी है और भक्ति भी है। परिश्रम से जो है अगर आप लोग पैदल यात्रा करेंगे तो उसका विशेष आपको महत्व भगवान शंकर प्रदान करेंगे। सभी पर जो है भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महा। ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 7 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ है लवकुश महादेव, और बारिश के कारण चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। इस कारण यहाँ के नज़ारे दिखा पाना काफी मुश्किल सा है। लगभग 70 से 75 साल की बुजुर्ग महिलाएं कई दुर्गम रास्तों को पार करने के बाद लवकुश महादेव में पहुंची हैं और अपनी लोक संस्कृति रीति रिवाजों के साथ लवकुश महादेव का आह्वान करके उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मैं परमानंद सती और मेरा घर यहीं कड़ाकोट डुंगरी में पड़ता है, और यहाँ पर लवकुश महादेव ये उत्तरी कड़ाकोट, कड़ाकोट क्षेत्र का नंदानगर घाट, सिरगुर पट्टी, बधाण पट्टी और पूरी पिंडर घाटी के प्राचीन काल से आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रह चुका है। और यहाँ पर प्रति सोमवार को, शनिवार को, चाहे शनि पूजन हो, चाहे नवग्रह पूजन हो, चाहे सूर्य ग्रह का पूजन हो, इस प्रकार से लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आते रहते हैं। और सावन के माह में हर सोमवार को यहाँ पे हजारों हजार श्रद्धालु जो है आकर के अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं और मन्नतें उनकी पूरी होती है। और प्राचीन काल से ही हमें, जब से हम लोग जो है होश में, होश हवास वाले हुए, तो हमारे जो पूर्वज थे वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग हुआ करता था, तभी मंदिर नहीं था। और यहाँ पर बगल पर जो है कुछ गाँव के, भंगोटा गाँव के लोगों का छप्पर हुआ करता था, लोग अपने मवेशियों के साथ यहाँ पर रहते थे, तो उनकी एक गाय आती थी और शिवलिंग के ऊपर से जो है वो अपने दूध को स्खलित करके चली जाती थी। और शाम को जब उनके मालिक को ये पता लगा तो उन्होंने एक बार जो है उसकी रेकी की, उसके पीछे पीछे आए कि दूध कहाँ डाल लिए, तो उन्होंने देखा कि उस लिंग के ऊपर से वो अपने दूध को, वहाँ पर लिंग को जो है अपने दूध से, दुग्ध से उसको स्नान करा रही है। उसके बाद उन्होंने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया, इसलिए वो कुछ थोड़ा सा खंडित भी है, और लिंग पहले छोटा था लेकिन बाद में वो उभर के आ गया। जब लोगों को यहाँ पर पता चला तो लोग यहाँ पे आए, लोगों की हजारों हजार लोगों की मन्नतें पूरी हुई। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, खुद मुझे भी जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे मिला है। मैंने भी जो है बचपन से ही, हम लोग यहाँ पे आते थे और प्रभु चरणों की कृपा से हम लोगों को बहुत सारी हमारी मन्नतें पूरी हुई। उसके पश्चात यहाँ पर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति पत्थर की हुआ करती थी, जिसको हम हनुमान जी, जो कि यहाँ पर रक्षक माने जाते हैं इस पूरे क्षेत्र में,
तो यहाँ पर हनुमान जी की एक छोटी सी जो है गुफा टाइप की थी। धीरे धीरे भक्तों ने हनुमान जी को एक भव्य रूप देने के लिए जो है एक मंदिर के निर्माण के लिए सोची। इसी बीच जो है एक जैन कोई भक्त थे, उन तक ये बात पहुँची, तो उन्होंने जो है यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति को जो है स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा जताई, और उन्होंने उसके बाद जो है उस मूर्ति को यहाँ तक पहुँचाया और विशाल भंडारे के साथ जो है उस मूर्ति का यहाँ पर जो है स्थापना हुई। ये भव्य मंदिर भी बना। आज यहाँ पर 10 दिवसीय श्री शिव पुराण और श्रीमद् रामचरितमानस कथा महापुराण का यज्ञ चल रहा है। हजारों हजार जो है श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर जो है शिव महिमा और श्री राम महिमा का गुणगान और उसका रसपान कर रहे हैं। तो सबकी मन्नतें पूरी हो, भगवान शिव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, भगवान रामचंद्र जी के जीवन से हम लोग जो है अपने जीवन को परिवर्तित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जोला मांगे रो नेगी भोलो बेगी भोलो वाले जला नोने लो मांगे रो जला भोरी ले देवतों का महलों एगी भोलो बेगी भोलो वाले पंच सदो जल्ला पंचा गाव्या भोलो बेगी भोलो वाले पंचा गाव्या देवा तो नावेनी भोलो बेगी भोलो वाले बीजी जाओ गोतो वेरी चेलो भोलो बेगी भोलो वाले। श्रावण मास के इन सोमवारों को 15 से 20 किलोमीटर दूर दराज के लोग सुबह ही कई दुर्गम रास्तों को पार करने के बाद पहुंचते हैं। ओम ध्याय नित्यम मही समृद्धिगिनिम हम चारु चंदावसंतम रत्नाम कल्पोजनाम परस्मिर्वरा विहितयास्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ताय स्मरगणे व्याकीतिवसानम विश्वाद्यम विश्ववन्द निकलवाहनम पंचभक्तम त्रिनीतम भोलकुश महादेव की जय। मैं पंडित योगेश्वर प्रसाद सती ग्राम चोपता हाल लवकुश महादेव के पीठासीन पुजारी के रूप में पदासीन हूँ और भक्तों को उनकी मंगलमय भविष्य की कामना के लिए यहाँ पर नित्य दिन प्रतिदिन पूजा करते जा रहा हूँ। और ये कुश महाद्वीप कुश द्वीप में होने के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है कि कुश द्वीप में स्थापित यह कुश महादेव लव कुश नाम से विख्यात है तथा धर्मार्थ कार्य के लिए लगभग मन कामेश्वर नाम से इस तीर्थ की पूजा की जाती है। जो भी श्रद्धालु जो भी उसको वर की है पुत्रों के वर के लिए यह सर्वोपरि तीर्थ माना गया है। कई भक्तों की गोदें यहाँ पर भरी गई हैं तथा यहाँ पर भक्तों का नित्य प्रतिदिन तांता लगा रहता है जिससे इस तीर्थस्थल की गरिमा उज्ज्वलमय भविष्य की कामना के लिए लोगों के लिए समर्पित है तथा हम सभी भक्तों से उनके सब मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर सभी कम से कम हम यहाँ पर 15 से 20 पुजारी यहाँ पर प्रतिदिन पूजा के लिए जुड़े रहते हैं तथा यहाँ पर वृद्ध आत्माएं कम से कम 108 वर्ष तक की वृद्ध माताएं तथा पिता यहाँ पर तीर्थ के लिए आते रहते हैं। उनके नौनिहाल बच्चे भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के कि दादी चलो कुश महादेव में पूजा अर्चना हो रही है हम भी आएंगे। और इतनी घनघोर बारिश में भी तीर्थ में चारों तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ है तथा घंटों की आवाज़ और वाद्य ध्वनि से यह पावन तीर्थ हमेशा विद्यमान और उज्ज्वल भविष्य के लिए सब भक्तों के लिए यह तीर्थ
गरिमामय बना हुआ है तथा यहाँ पर नंदीश्वर के कानों में को लोगों ने इतना फूक फूक के बोल दिया है कि क्या हे नंदी, तुम हमारी मनोकामना पूर्ण करो, मैं दूसरे दिन आपके साथ एक छोटा नंदी और ले आऊँगा। तथा इसी प्रकार से यहाँ पर जरा दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण कम से कम ये मोटर मार्ग से यह तीर्थ कम से कम 7-8 किलोमीटर का है, जिससे लोगों को ज़रा आने जाने में ज़रा दिक्कतें होती हैं। रास्ते तो थोड़े बहुत बन भी गए हैं, पर क्या करें, पहाड़ी मार्ग होने के कारण अवरोध होता जा रहा है। तथा हम भोलेनाथ से ये कृपा करते हैं, भोलेनाथ हम भक्तों के लिए ज़रा सुगम मार्ग की अच्छी व्यवस्था तथा कृपा अपनी बनाए रखना, जिससे कि भक्त आते और जाते रहें, गाते रहें। शाम को कीर्तन भजन संध्या वंदन के लिए यह गरिमामय तीर्थ है। यहाँ पर भक्त बराबर आते रहते हैं, यहाँ तक कि दूरस्थ क्षेत्र घाट और मींग तीर कठोड़ा नोना बनावा ये पुन्नी मोक का सारा क्षेत्र यहाँ लवकुश क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लगभग यहाँ पर उस क्षेत्र से कम 500 यात्री शाम को विश्राम के लिए लवकुश महादेव में आते हैं। यहाँ पर भंडारे की उचित व्यवस्था सारी कमेटी के द्वारा है, और वो व्यवस्था भी उन भक्तों के ही झोली का प्रसाद है। अपने हाथ में एक पॉलीथीन में चावल आटा तेल गुड़ घी तेल लेके सब भक्त यहाँ आते रहते हैं तथा उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और कोई 2 दिन रुकता है, कोई 4 दिन रुकता है, उसके बाद वो सारे अपने घरों को जय जयकार के हर हर महादेव के नारे लगा के चलते रहते हैं। तथा यहाँ पर हम शासन से एक गुजारिश करते हैं कि यह क्षेत्र जरा दूरस्थ होने के कारण यहाँ पर लाइट की व्यवस्थाएँ जरा परेशानी की है, पर आजकल अच्छा समय आ गया है, विज्ञान का युग हो चुका है, केबल की व्यवस्थाएं हैं, केबल से यहाँ बिजली की व्यवस्था बन सकती है। हम ये अनुनय और विनय करते हैं विद्युत विभाग से, जो भी उच्च अधिकारी हैं वो इस क्षेत्र को जरा जोड़ने की कोशिश करें। दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कई गाँव के आस्था और सहयोग से यहाँ पर एक जनरेटर लिया गया है, जिससे कि लाइट की व्यवस्था की जाती है। मेरा नाम उमा प्रसाद रतोड़ी, ग्राम रतोड़ा बिजला चांदपुर। मेरा 40 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है यहाँ से, 40-45 किलो। मैंने यहाँ का वातावरण सिद्धपीठ, वैसे भी मैं दिव्यांग हूँ, इस वजह से मैं उस शिव की कृपा रही, पैदल के 5-6 किलोमीटर में पैदल आया। और यहाँ तो रहने की और खाने की व्यवस्था उचित है, किसी को तकलीफ नहीं होती है न कहाँ। यहाँ पूजे में शिव शक्ति लवकुश महादेव बहुत बड़ी कृपा है। श्रद्धालु यहाँ कल शाम को 800-900 आदमी का खाने का रहने की व्यवस्था पूरी थी। जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको हम हार्दिक दिल से बधाई के पात्र हैं, यहाँ के पूरी कमेटी के लिए धन्यवाद। तो अब तक हमने जाना इस मंदिर का इतिहास और यहाँ की कुछ मान्यताएं। यदि आप लोग इस मंदिर में आना चाहते हैं, यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप लोगों को देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद में आना होगा। चमोली जनपद के विकासखंड नारायणगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसा है लवकुश महादेव। तो चलिए जी, अब हम भी आप लोगों से विदा लेते हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, और भविष्य की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि भविष्य की वीडियो में और भी हम लोग बदलाव कर सकें। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय पहाड़।